हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है तीसी के लड्डू। ठंड के दिनों में ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे घर के सभी मेंबर्स के लिए। बच्चे हो, बड़े हो या फिर हमारे घर के बुज़ुर्ग हों, सभी के लिए ये जो लड्डू है, तीसी का लड्डू, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूध के साथ इसे लेने से आपके शरीर को ये बहुत ही बेनिफिट पहुंचाता है। टीसी कितना फ़ायदेमंद है ये तो आप गूगल करके देख ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले टीसी को कढ़ाई में ऐसे ही ड्राई फ्राई भूंज लेंगे, और भूंजने के बाद उसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मात्रा में ले करके हमें मिक्सी में इसको पीस लेना है, जब तक कि ये बाइंड ना होने लगे। ये देखिए, इस तरीके से जब ये बाइंड होने लगेगा तब आप समझिए कि आपका टीसी पिसा चुका है। इसे हम एक बर्तन में खाली कर लेंगे। इसी तरीके से थोड़े थोड़े क्वांटिटी में हमें ये सारा टीसी पीस लेना है। इसके बाद मखानों को घी में फ्राई करके इसे भी हम मिक्सी में पाउडर बना लेंगे। टीसी को अलसी या फिर फ्लैक्सीड भी बोलते हैं। घी डाल करके इसमें हम गोंद फ्राई कर लेंगे। गोंद भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे बिल्कुल हल्के गरम घी में डालिएगा, बहुत ज़्यादा गरम घी में नहीं डालना है। और इस तरीके से जब ये फूलने लगे, अच्छी तरीके से फूल जाए, तभी हमें इसमें से निकालना है। इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है घी में। याद रखिए कि आपका घी बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो फूलता नहीं है और फिर खाने में थोड़ा कड़ा लगता है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे बेसन को चलनी से चाल करके यहाँ ले लेंगे, और इसके बाद घी में हम बेसन को फ्राई कर लेंगे। एक किलो टीसी में एक किलो बेसन पड़ेगा। इस तरीके से आपको पूरा एकदम लिक्विड फॉर्म में ही इसे भूनना है, तभी ये अच्छे से भुनेगा। और एक किलो घी भी इस लड्डू को बनाने में पूरा लग जाता है। तो एक किलो टीसी, एक किलो घी और एक किलो बेसन। ये देखिए, बेसन भी भून चुका है। गरम कढ़ाई में ये रख देने पे थोड़ी देर में और लाल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मखाना हो गया है, गोंद को हमने क्रश कर लिया है एक कटोरी से, और ये टीसी और ये चीनी भी हम थोड़ा पीस करके ही लेंगे इसमें। इसके बाद एक बड़े बर्तन में हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे घर में तो ये ना जाने कितने सालों से बनता चला आया है, 10 साल से तो मैं ही देख रही हूँ इसे बनते हुए, और ये बहुत ही ठंड में फ़ायदा करता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से सब चीज़ों को हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स है, जो भी आप डालना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स, उन्हें भी आप मिक्सी में थोड़ा सा पीस करके ही डालें, जिससे कि बच्चे भी आसानी से खा सकें। इसके बाद चीनी का अंदाज़ लेने के लिए आप क्या कीजिए कि सारे जो मिक्सचर है उसे एक तरफ करके उसके 1/4 भाग हम चीनी का लेंगे, और फिर इसे हम लड्डू के शेप में बना लेंगे। तो आप भी इंजॉय कीजिए, बनाइए और खाइए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।